साल 2024 शुरू होते ही एक खबर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जाने लगी कि 1 जनवरी 2024 को पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बम विस्फोट कर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को मार गिराया। टाइम्स अलजेब्रा नामक एक्स अकाउंट ने यही दावा किया। इस दावे के साथ यूजर ने ये कुछ तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किया। और भी कई यूजर्स ने ये तस्वीरें और वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब इन तस्वीरों और वीडियो की जांच की तो पाया कि ये पुरानी घटनाओं के विजुअल्स है। सबसे पहले वायरल वीडियो के बारे में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज को 3 नवंबर 2023 का ये ट्वीट मिला। पाकिस्तान के नेता अली वजीर ने ये वीडियो ट्वीट किया था और लिखा था कि पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान में बम विस्फोट की घटना हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 21 लोग घायल हुए थे। कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक 3 नवंबर को पुलिस की गाड़ी के बगल में ये विस्फोट हुआ था, यानी ये पिछले साल का है। वहीं इस पहली तस्वीर के बारे में जांच करते हुए हमें ये 15 सितंबर 2019 के इस आर्टिकल में मिली, यानी ये इमेज भी पुरानी ही है। इस दूसरी तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें रॉयटर्स पर ये तस्वीर 21 अप्रैल 2021 को पोस्ट की हुई मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये फोटो पाकिस्तान के क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पार्किंग में बम विस्फोट होने की है। ऐसे ही इस आखिरी तस्वीर को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 27 दिसंबर 2023 का ये ट्वीट मिला। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट द खोरासन डायरी ने ये तस्वीर ट्वीट की और बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गोलीबारी हुई थी। इसमें मौलाना मोहम्मद अमीन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यानी आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 1 जनवरी 2024 की घटना बताकर जो विजुअल्स शेयर किए गए वो असल में पुरानी घटनाओं के हैं। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक किसी भी विश्वसनीय मीडिया एजेंसी ने मसूद अजहर की मौत के बारे में रिपोर्ट्स नहीं दी है।